नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमानी संसनवाल है। मैं MSc ENT हूँ और मैं ENT की सभी सर्जरीज करती हूँ और मैं सनफ्लैग ग्लोबल हॉस्पिटल में 2016 से कार्यरत हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों के एक बहुत कॉमन समस्या जिसे हम कहते हैं एडेनॉइड्स। आप सभी लोग कुछ ना कुछ टॉन्सिल्स के बारे में जानते होंगे। जिस तरह से टॉन्सिल्स गले में इधर होते हैं, उसी तरह से नाक के पीछे इधर यहाँ पे जब मांस बढ़ जाता है, जिसे नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल कहते हैं, उसको हम एडेनॉइड्स भी कहते हैं। जब ये बढ़ जाता है तो बच्चे को नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है। खासकर रात के समय बच्चे मुंह खुला रखते हैं, कान में बार बार दर्द होता है और रात को बच्चे खर्राटे मारते हैं और उल्टा सोना पसंद करते हैं। यदि आपके 4 से 5 साल के बच्चे के ये लक्षण डेवलप हो रहे हैं तो आप हॉस्पिटल जाके बच्चे का एक्सरे कराएं, आप ENT के डॉक्टर को दिखाएं, आप हमारे पास भी आ सकते हैं। एक्सरे करा के ये पता लगेगा कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है एडेनॉइड्स एनलार्जमेंट की, वो कितनी सिवियर है। उसके बाद फिर आगे जो ट्रीटमेंट होगा वो हम आपको एडवाइस करेंगे। उसमें अगर माइल्ड है तो बच्चे का दवाई के द्वारा भी इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर सिवियर है तो कान में नलकी यहाँ से कानों में जाती है। अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो कानों में भी बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो सकता है और दर्द हो सकता है। ऐसी समस्या अगर पेशेंट को है तो आपको सर्जरी करानी चाहिए, तो वो देखने के बाद ही पता लगेगा। तो ये हमारी आज हमने इसके बारे में चर्चा करी कि बच्चे को जब एडेनॉइड्स होते हैं तो उसको क्या सिम्टम्स होते हैं और उसका किस तरह से इलाज होता है। जो सर्जरी है वो है एडेनॉइडेक्टमी। एक बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, बस बच्चा बेहोश करके एक दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है और बच्चा उसी दिन से रात से ही नाक से सांस बढ़िया लेने लग जाता है। ये बहुत ही अच्छी सर्जरी है और आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। धन्यवाद।